अमरवाड़ा में उपचुनाव को लेकर डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा कि अभी कई राउंड की गिनती बाकी है। मुझे पूरा भरोसा है कि जैसे हम लोकसभा चुनाव जीते हैं उसी तरह उपचुनाव भी जीतेंगे। वहीं उन्होंने कमलनाथ की साख दांव पर लगे होने को लेकर कहा कि लोकसभा चुनाव में भी कमलनाथ की साख दांव पर लगी थी, लेकिन परिणाम भाजपा के पक्ष में ही आया। ये भारतीय जनता पार्टी का सुशासन है, जिसके दम पर मध्य प्रदेश से बीमारू राज्य का कलंक मिटा है और विकासशील राज्यों की श्रेणी में नंबर एक पे है। हम तेजी से आगे बढ़ रहे हैं और ये आंकड़े भी इसी दिशा की ओर इंगित कर रहे हैं। मध्य प्रदेश का भविष्य बहुत अच्छा है। स्वर्णिम मध्य प्रदेश के निर्माण की दिशा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रही है। सर, आज मुंबई में सीएम साहब इन्वेस्टर्स से चर्चा भी कर रहे हैं, बड़ी बैठक है, क्या करेंगे? लगातार मध्य प्रदेश की इस प्रकार के इन्वेस्टर समिट और रोड शो, बिजनेस सेमिनार के माध्यम से मध्य प्रदेश की मार्केटिंग देश और दुनिया में हुई है। लोगों को मालूम पड़ा है कि मध्य प्रदेश में कितना पोटेंशियल है, कितनी अच्छी यहाँ पर उद्योग संवर्धन नीति है, जमीन पानी बिजली की यहाँ कमी नहीं है, कानून व्यवस्था के मामले में यह शांति का टापू है। और जब लोगों को इस बात की जानकारी मिलती है तो मध्य प्रदेश की ओर आकर्षित होते हैं।